हमारा फोर्थ टॉपिक है द सिटी इन कॉलोनियल इंडिया। जिस समय वेस्टर्न यूरोप में इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे थे, इंडियन सिटीज में 19वीं सेंचुरी में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं था। जो शहरीकरण था इंडिया के अंदर, वो कॉलोनियल रूल के दौरान बहुत ही धीमा था। शुरुआत में 20वीं सेंचुरी के लगभग 11% से ज्यादा इंडियंस ऐसे नहीं थे जो शहरों में रह रहे हों। बहुत बड़ी प्रपोर्शन जो इन शहर में रहने वाले लोगों का था, वो ज्यादातर तीन जो प्रेसिडेंसी सिटीज है हमारी उसके अंदर था। ये मल्टीफंक्शनल सिटीज थी, यहाँ पर पोर्ट्स भी थे, वेयर हाउसेस भी थे, घर थे, ऑफिसेस थे, आर्मी कैंप्स थे, यहाँ तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, म्यूजियम्स थे और लाइब्रेरीज थी। बॉम्बे जो है सबसे मेन सिटी थी इंडिया की। ये बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हुई लेट 19वीं सेंचुरी से, और इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 644,405 से 1872 में लगभग 1500,000 1941 तक पहुंच गई थी। अब देखते हैं कि बॉम्बे का डेवलपमेंट कैसे हुआ। 17वीं सेंचुरी में बॉम्बे जो है एक 7 आइलैंड्स का ग्रुप था जो कि पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। 1661 में ये जो कंट्रोल था आइलैंड का, ये ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया जब ब्रिटिश किंग्स चार्ल्स टू की जो मैरिज थी वो पोर्तुगीज प्रिंसेस से हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने फौरन अपना जो बेस था वो सूरत से हटाकर इस वेस्टर्न पोर्ट सिटी बॉम्बे में कर लिया था। शुरुआत में क्या हुआ, बॉम्बे जो है मेन आउटलेट माना जाता था कॉक्सटन टेक्सटाइल्स का गुजरात से। 19 सेंचुरी के बाद में क्या हुआ, ये जो सिटी थी एक पोर्ट के तौर पे फंक्शन करने लग गई, जहां पे बहुत भारी मात्रा में जो रॉ मटेरियल था जैसे कॉटन है या ओपियम है, ये यहां से पास होता था। तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गई वेस्टर्न इंडिया में, और 19 सेंचुरी के खत्म होते होते ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर बन गई थी। बॉम्बे जो है कैपिटल बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की 1819 में, जब मराठा डिफीट हुई थी एंग्लो मराठा वॉर के अंदर। ये तेज जो शहर था ये तेजी से बढ़ने लग गया। जैसे जैसे कॉटन और ओपियम में ट्रेड बढ़ रहा था, बहुत सारे कम्युनिटीज जो ट्रेडर्स की थी, बैंकर्स की थी, खा और भी जो कारीगर थे, शॉपकीपर्स थे, वो सबके सब आकर बॉम्बे में बसने शुरू हो गए। जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ टेक्सटाइल मिल्स का, इससे जो है और ज्यादा माइग्रेशन को शुरुआत मिली, यानी कि लोग जो है बाहर से यहाँ पर काम करने के लिए आने लग गए। तो पहली जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी बॉम्बे के अंदर वो एस्टैब्लिश हुई थी 1854 में। 1921 में खाली 85 कॉटन मिल्स थी जिसमें 146,000 वर्कर्स काम करते थे। एक चौथाई जो बॉम्बे में लोग रहते थे 1881 से 1931 के दौरान वो बॉम्बे में पैदा हुए थे, बाकी सब बाहर से आए थे। ज्यादातर जो आ रहे थे वो पास की जो डिस्ट्रिक्ट थी रत्नागिरी, वहां से आते थे काम करने के लिए बॉम्बे मिल्स के अंदर। विमेन ने लगभग 23% जो है मिल्स की वर्कर्स की एक वर्कफोर्स थी जो 1919 से 1926 के दौरान थी। उसके बाद क्या हुआ, उनका नंबर जो है वो गिरता चला गया, लगभग 10% भी नहीं रह गई थी पूरी टोटल वर्कफोर्स में। 1930 के एंड तक वुमेन की जॉब जो है अब उसकी जगह मशीन्स आ गई थी या फिर आदमी लोगों ने ले ली थी। बॉम्बे जो है मेनली काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा था जो मैरीटाइम ट्रेड था इंडिया का 20वीं सेंचुरी के अंदर। यहाँ पर दो मेजर रेलवे का एक तरह से ये जंक्शन हेड माना गया था। रेलवे से क्या हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा लोग शहर आ सकते थे। अब जैसे कच्छ के जो इलाके थे सूखे इलाके, जब वहां पर सूखा पड़ा तो बहुत सारे लोग जो है वो बॉम्बे में आ गए 1888 से 89 के बीच। अब ये जो बाहर के लोग थे इनकी जो बाढ़ आ गई इन कुछ सालों में, उससे जो वहां के ऑफिशियल्स थे उनको एकदम से जैसे खलबली सी मच गई, क्योंकि पॉपुलेशन जो है प्लेग जस्ट टाइम पे हुआ था 1898 में वो बढ़ती चली जा रही थी। तो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज थी उन्होंने लगभग 30,000 लोगों को वापस वहीं भेज दिया जहां से वो आए थे। बॉम्बे जो है एक बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ा वाला शहर है। जैसे हर लंदन में रहने वाला जो है 1840 में एक उसको एवरेज स्पेस मिलती थी लगभग 155 स्क्वायर यार्ड की, बॉम्बे में लगभग सिर्फ 9.5 स्क्वायर यार्ड की ही जगह मिलती थी। 1872 में जब लंदन में लगभग 8 लोगों में पर हाउस मिलता था, वहीं पे जो डेंसिटी थी बॉम्बे में वो लगभग 20 थी। शुरुआत के दिनों में बॉम्बे जो है वो किसी प्लान के बेसिस पे नहीं डेवलप हो रहा था, और जो हाउसेस थे वो सब जो है फोर्ट एरिया में कहीं भी कोई प्लानिंग नहीं थी, बस जो घर थे वहां पे जो है
कुछ बगीचे वगैरह थे। तो जो बॉम्बे का फोर्ट एरिया था, जो मेन शहर में सिटी के अंदर था अर्ली 1800 में, वो जो है डिवाइड हो गया था नेटिव टाउन में जहां ज्यादातर इंडियंस रहते थे और एक यूरोपियन या वाइट सेक्शन के बीच में। अब ये जो यूरोपियन सबर्ब था या जो इंडस्ट्रियल जोन था, ये नॉर्थ की तरफ डेवलपमेंट हो रहा था उसमें फोर्ट सेटलमेंट एरिया के, और जबकि उसी तरीके का जो है सबर्ब और कैंटोनमेंट साउथ में हो रहा था। रेशियल पैटर्न जो था वो तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए पूरी तरीके से सही था, या कह सकते हैं सच बात थी उनके लिए। एक तरफ जहां सिटी का बहुत तेजी से और अनप्लान्ड तरीके से विस्तार हो रहा था, वहीं पे घरों की पानी की सप्लाई की कमी जो है वो भी एक मुख्य मुसीबत बनती जा रही थी मिड 1850s में। जब टेक्सटाइल मिल्स आ गई तो उससे जो बॉम्बे की हाउसिंग थी उस पर और ज्यादा दबाव पड़ने लग गया। जिस तरह से यूरोपियन तबके रहते थे उसी तरह से रिच लोग जो पारसीज थे, मुस्लिम्स थे, या जो अपर क्लास के ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे के, वो भी आराम से ऐशो आराम से रहते थे बड़े बड़े बंगलों में। वहीं उसके विपरीत 70% जो वर्किंग लोग थे वो इतने बड़े जो बॉम्बे में एक पॉपुलेटेड एरिया था चौल का, वहां रहते थे। अब क्योंकि वर्कर्स जो है अपने जगह जहां रहते थे वहां से काम करने के लिए पैदल जाते थे, तो लगभग 90% मिल वर्कर्स जो है वो गिरन गांव जो जगह है वहां पर रहते थे। एक ऐसी मिल विलेज थी जो सिर्फ 15 मिनट की दूरी से थी, मतलब मिल्स जहां पे वो काम करते थे उससे सिर्फ 15 मिनट की ही दूरी पे थी। चौल जो है वो मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर थे जो कि बनाए गए थे 1860s में, और ये जो है नेटिव पार्क में बनाए गए थे टाउन के। जैसे टेनमेंट्स थे लंदन के अंदर, वही ये जो हाउसेस थे ये ज्यादातर प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स द्वारा ओन किए जाते थे, जैसे मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे कि जो बाहर से लोग आए उनसे कितनी जल्दी और अच्छे से पैसा बनाया जा सके। हर चौल में जो है छोटे छोटे एक एक रूम होते थे जिसमें कोई भी प्राइवेट टॉयलेट नहीं था। बहुत सारी फैमिलीज जो है एक समय में इस टेनमेंट के अंदर रह सकती थी। 1901 की जो पॉपुलेशन की गणना हुई थी उसमें ये बताते हैं कि आइलैंड की जो पॉपुलेशन थी या 80% जो टोटल में थी उसमें ज्यादातर जो है ये जो वन रूम वाला जो एरिया था उसके अंदर लोग रहते थे। एवरेज नंबर एक रूम के अंदर 4 से 5 होते थे। अब क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा होता था इसलिए लोगों को घर शेयर करने पड़ते थे, आइदर अपने रिलेटिव्स के साथ या साथ में जो काम कर रहे हैं उनके साथ, अपने कास्ट वाले के साथ, जो लोग सब शहर में आ रहे हैं। लोगों को अपने घरों की खिड़कियां बंद करनी पड़ती थी, यहाँ तक कि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि जो पास के गटर थे, बफेलोस के स्टेबल्स थे, उनसे बहुत ज्यादा बदबू आती थी। अब जहां एक तरफ पानी की तो कमी थी, लोग भी जो है हर सुबह लड़ाई लड़ते थे कि टैप से उनको पानी मिल जाए, और ऑब्जर्वर्स जो है ये देखते थे कि उनके जो घर हैं वो बिल्कुल साफ रखे जाएं। अब घर तो बहुत छोटे होते थे, जो सड़कें होती थी, पड़ोस होते थे, उसमें जो है बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज करी जाती थी, जैसे कुकिंग है, वॉशिंग है, स्लीपिंग है, लिकर शॉप्स, अखाड़ास, ये सब भी जो है खाली जगहों पर बनाए जा रहे थे। स्ट्रीट जो है वो भी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज के लिए, जो अपने एंजॉयमेंट की है उसके लिए यूज करी जाती थी। पार्वती बाई भोर वो जो है अपने बचपन को याद करते हुए कहती है अर्ली 20th सेंचुरी में कि एक जो है चार जो चॉल्स थी उनके बीच में एक ओपन स्पेस होता था बीच के अंत में, वहां पर मैजिशियंस जो मदारी हैं या जो एक्रोबेट्स हैं वो अपने जो एक्ट्स हैं उनको दिखाया करते थे। एक नंदी बैल जो है वो आता था, और मेरे को खास तौर से कड़क लक्ष्मी से डर लगता था कि वो लोग किस तरह से अपनी जो खाली एम्प्टी बॉडीज होती हैं उसको मारते थे ताकि वो जो है अपना पेट भर सकें। चौल जो है एक ऐसी प्लेस थी जहां पर न्यूज जो है बहुत तेजी से एक्सचेंज होती थी, चाहे जॉब को रिलेटेड हो, स्ट्राइक को रिलेटेड हो, दंगों को हो, या फिर प्रदर्शन को लेकर। कास्ट और फैमिली ग्रुप्स जो मिलके नेबरहुड में रहते थे उनको हेड करने वाले बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसे गांव के हेडमैन होते हैं। कई बार जो जॉबर्स होते थे मिल में वो भी जो है वहां के लोकल नेबरहुड के लीडर होते थे। वो मामला सुलझाते थे, फूड सप्लाईज प्रोवाइड कराते थे, या अगर हो सके तो पैसे भी देते थे अगर जरूरत पड़ती थी। साथ ही साथ वो कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर उसको भी आकर बताते थे। ज्यादातर जो लोग
डिप्रेस क्लास को बिलोंग करते थे उनको बहुत मुश्किल होती थी घर को ढूंढने में। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको चौल से भी बाहर रखा जाता था और उनको हमेशा जैसे शेल्टर में रहना पड़ता था, चाहे वो टीन की छत हो, पत्तियों की हो, या जो सरकंडों की या जो बांस की बनी होती है उससे उन्हें झोपड़ी बनाकर रहना पड़ता था। अगर ये जो टाउन प्लानिंग लंदन में हुई वो इस डर से हुई कि समाज में लोग विद्रोह कर देंगे, उसी तरह से बॉम्बे में जो प्लानिंग हुई वो प्लेग की वजह से हुई कि प्लेग की जो महामारी फैल जाती है उसके डर की वजह से बॉम्बे में प्लानिंग करी गई। तो ये जो सिटी ऑफ बॉम्बे थी इसकी जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट थी उसको एस्टैब्लिश किया गया 1898 में और उसमें मेन फोकस किया गया था कि किस तरह से जो गरीब लोगों के घर हैं शहर के बाहर उनको साफ किया जाए। 1918 में ये जो ट्रस्ट की स्कीम्स थी उन्होंने लगभग 64,000 लोगों को उनके घर से हटा दिया लेकिन 14,000 को ही दोबारा बसा पाए। 1918 में एक रेंट एक्ट जो है वो पास किया गया ताकि जो रेंट्स हैं उनको एक रीजनेबल तौर पे रखा जा सके, लेकिन इसका उल्टा ही असर हुआ क्योंकि उससे जो है हाउस की समस्या और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे अब उन्होंने जो है मार्केट से अपने घर जो थे उनको हटा लिया था। हमेशा से जो शहर का विकास होता है या जो विस्तार होता है ये एक प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। ऐसी ही प्रॉब्लम बॉम्बे में भी हुई क्योंकि जगह की कमी होती थी। एक जो तरीका था जिससे सिटी जो बॉम्बे की थी वो डेवलप थी वो था उसका मैसिव रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। आपको पता है जो सेवन आइलैंड्स थे बॉम्बे के वो एक लैंडमार्क में जो है जुड़ गए थे समय के साथ साथ। तो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1784 में। बॉम्बे के जो गवर्नर थे विलियम हॉर्नबाय उन्होंने अप्रूव कर दिया कि एक बहुत बड़ा जो है सी वॉल है उसे बनाया जाए ताकि जो लो लाइंग एरियाज हैं बॉम्बे के वहां पर बाढ़ की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद से तो बहुत सारे रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट शुरू हो गए थे। बहुत ज्यादा कमर्शियल स्पेस की जरूरत थी मिड 19th सेंचुरी में जिसकी वजह से और सारे प्लान्स निकले गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है वो सी से ली जा सके। प्राइवेट कंपनी जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी फाइनेंशियल रिस्क को लेने में। 1864 में जो बैक बे रिक्लेमेशन कंपनी थी उसको ये अधिकार मिल गया कि जो वेस्टर्न फोरशोर है मलाबार टिप्स हिल्स, मलाबार की जो टिप है वहां से लेके कोलाबा के एंड तक। तो रिक्लेमेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी हिल्स हैं आसपास बॉम्बे के उनको एक बराबर के लेवल में लाया जाए। 1870 तक ज्यादातर जो प्राइवेट कंपनीज थी वो बंद हो गई थी क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और जो सिटी थी वो एक्सपैंड हो गई थी लगभग 22 स्क्वायर माइल्स तक। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी तेजी से अर्ली 20th सेंचुरी में छोटा छोटा एरिया भी जो अवेलेबल था उसपे भी मकान बन गए थे और नए एरिया जो है अब वो सी से रिक्लेम किए जा रहे थे। एक सक्सेसफुल रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट जो है वो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया गया जिसमें उन्होंने एक ड्राई डॉक बनाया 1914 से 1918 के बीच में और जो अर्थ खुदी हुई थी उससे लगभग 22 एकड़ बैलेंस एस्टेट बनाया। ये जो फेमस मरीन ड्राइव है बॉम्बे का उसके बाद वो भी डेवलप हुआ। अब बॉम्बे को हम हमेशा फिल्म इंडस्ट्री के साथ कैसे नहीं जोड़ सकते, जहां एक तरफ इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी मुश्किल वाले हालात है रहने के लिए, तब भी बॉम्बे जो है एक मायापुरी के तौर पे दिखाई देती है लोगों को, एक ऐसा शहर जो सपनों का है। बहुत सारी बॉम्बे में जो फिल्म्स हैं वो इन्हीं जो शहर में नए नए लोग आए इनसे डील करती हैं या उनके जिस तरह की रोजमर्रा की जिंदगी के जो प्रेशर झेलने पड़ते हैं उनके बारे में बताती हैं। कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स थे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के जो बिल्कुल ही विपरीत एस्पेक्ट्स बताते हैं सिटी के। एक फिल्म थी जिसमें हीरो के जो सीआईडी जिसमें हीरो के जो साथी हैं वो गा रहे हैं, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान, मेरे दिल यहाँ पर बहुत मुश्किल है रहना, थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, ये बॉम्बे है। इसी तरह से एक और गाना था गेस्ट हाउस के अंदर, जिसका जूता उसी का सर, दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे वाह रे वाह तेरी बम्बई। तो वो बॉम्बे को जैसे बोलते हुए गा रहे हैं कि कैसा शहर है, यहाँ अपने ही जूते से लोगों को मार पड़ जाती है, शहर बहुत बड़ा है पर लोगों के जो दिल हैं वो बहुत छोटे हैं। सबसे पहले बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री कब आई? हरीश चंद सखाराम भाटवड़ेकर जो थे इन्होंने एक रेसलिंग मैच का सीन जो है वो बॉम्बे हैंगिंग गार्डन्स में शूट किया और ये जो है सबसे पहला इंडिया की मूवी बनी 1896 में। उसके बाद दादा साहब फाल्के ने
राजा हरिश्चंद बनाई 1913 में। फिर तो इसके बाद कोई टर्निंग बैक हुई ही नहीं। 1925 में बॉम्बे ने पहला इंडियन फिल्म कैपिटल, जो कि फिल्म को प्रोड्यूस करता था नेशनल ऑडियंस के लिए, उसको बनाया। जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो लगभग 50 इंडियन फिल्म्स 1947 में जो होती थी वो लगभग 756 मिलियन इन्वेस्ट किया गया था। और 1987 तक आते आते फिल्म इंडस्ट्री ने लगभग 520,000 लोगों को काम दे दिया था। ज्यादातर पीपल जो फिल्म इंडस्ट्रीज में थे वो बाहर से आए हुए थे, जो शहरों से आए थे, जैसे लाहौर, कैलकाटा, मेड्रास, और मेन इंडस्ट्री का एक जैसे कहना चाहिए नेशनल कैरेक्टर की तरह उनका योगदान था। जो लोग लाहौर से आए थे, फिर पंजाब से, वो खास तौर पे इसलिए इम्पोर्टेंट थे ताकि हिंदू फिल्म इंडस्ट्री या जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट हो सके। बहुत से फेमस राइटर जैसे इस्मत चुगतई थे, सादत हसन मांटो थे, ये सब भी जो है हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं। बॉम्बे फिल्म्स ने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी इमेज दिखाई है सिटी की जिसमें सपने भी हैं, हकीकत भी है, झुग्गी झोपड़ियां भी हैं और बहुत बड़े बड़े बंगले भी हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिटीज एंड द चैलेंज ऑफ द एनवायरमेंट। ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में।